वाक्यों को संकट में डालने वाला आश्वासन चतुर नारद के कहने पर आपने धर्मराज और चित्रगुप्त को क्यों दिया? ब्रह्म वाक्य तो संसार का सबसे अटल सत्य है और ब्रह्म वाक्य को संकट में डालने का कोई भी आश्वासन हमने किसी को नहीं दिया। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? आपने स्वयं ही तो कहा कि सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र रूप में यमराज शीघ्र ही जन्म लेंगे। इसमें संदेह कैसा? संदेह का कारण तो संज्ञा है ब्रह्मदेव। तेजस्वी सूर्यदेव के प्रति अनजाने भय को मन में पालने वाली संज्ञा क्या विवाह के पश्चात शीघ्र ही अपना सर्वस्व समर्पित करके सूर्यदेव के पुत्रों की माता बन सकेगी? हाँ देवी, अपने अनजाने भय से भयभीत होने पर भी देवी संज्ञा ने अपना सर्वस्व सूर्यदेव को समर्पित कर दिया। क्या सूर्यदेव की निकटता पाके देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत हुआ? उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ? नहीं देवी, समय के साथ देवी संज्ञा के मन में उपजा अनजाना भय और अधिक दृढ़ होता चला गया। सत्य को देखकर और सूर्यदेव के शीतल प्रेम की बयार में भीग कर भी संज्ञा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि सूर्यदेव का शीतल प्रेम उसे ताप नहीं शीतलता प्रदान करता रहा है। क्या तेजस्वी सूर्यदेव ने अपनी धर्मपत्नी संज्ञा को समझाने का प्रयास नहीं किया? एक बार नहीं, अनेकों बार सूर्यदेव ने देवी संज्ञा को सत्य का पथ दिखाने का प्रयास किया, परंतु जिनके मन में अपने पूज्य के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं होता है वे विश्वास से भी दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की धर्मपत्नी देवी संज्ञा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने पति के प्रति आस्था श्रद्धा और विश्वास के स्थान पर वे उसी अनजाने भय से भयभीत रहती थी। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? समय के साथ साथ संज्ञा के अनजाने भय का भयानक प्रभाव उसके जन्म लेने वाले बालकों पर पड़ने लगा। संज्ञा भय को जन्म देने वाले यमदेव एवं उसकी जुड़वा बहन यमी की माता बनी। यम और यमी जन्म लेते ही अपने माता पिता की दिव्यता और देवत्व के प्रभाव के कारण युवा हो गए। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो ये है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमयमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता, हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं, अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमयमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता नहीं, आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यम, यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही,
पिताश्री प्रणाम। असंतुष्टि नहीं यम यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? यम, तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो भारी संसार के लिए है, तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सम्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यम यमी से इस पुराण का परिचय होना परम आवश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यम यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक ओर शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो ये है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये मेरा प्रण है। सारे संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले तेजस्वी सूर्यदेव के ही परिवार में अंधकार। शिव 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 शिव, स्थिति को बदलना होगा, इस स्थिति को बदलना होगा। ओम नमः शिवाय। नारद, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें पुकार रहे हैं। भगवान शिव की समाधि में बाधा देने के लिए कैलाश जाने के स्थान पर अपने कर्तव्यों को पहचानो और वहीं रुक जाओ। नारद, जो आज्ञा परम पिता। नारायण नारायण। भैया भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई, अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्य लोक में रहना असंभव है। मैं सूर्य लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी, स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी,
मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हो, जय हो देवी यमुना तुम्हारी, जय हो, जय हो, जय हो यमुना तुम्हारी, जय हो, जय हो, जय हो देवी यमुना तुम्हारी, जय हो। देवी यमुना की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है देवी अमी। अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहाँ पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो ये है देवी अमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से ये पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। सूर्यपुत्र यमदेव, मेरी बात सुने। अब क्या सुनूं और क्या कहूं देव ऋषि, मेरी आंखों के सामने मेरा सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मुझे जन्म देने वाली माता और प्राणों से प्यारी मेरी बहन मुझे छोड़कर चले गए। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया देव ऋषि, आप मुझे क्षमा करें। सूर्यपुत्र यमदेव, मुझे तुम्हारे दुख का आभास है, परंतु जिन्हें हम दुख समझते हैं वह वास्तव में हमारे दुख नहीं, विधाता की इच्छा से हमारी परीक्षा होते हैं। संकट और दुख के इस काल में यदि तुम इस प्रकार टूटने लगे तो भविष्य का क्या होगा? भविष्य? भविष्य की क्या बात करते हैं देव ऋषि, जिसका वर्तमान दुख और संकट के अंधकार में डूबा हुआ हो उसका भविष्य तो ना हो वो अच्छा है। ऐसा ना कहें अम्बे, ऐसा ना कहें। फिर क्या कहूं देव ऋषि, क्या कहूं? अपनी प्रिय माता और प्राणों से प्यारी बहन को जाते हुए देखकर भी मैं कुछ ना कर सका। मुझसे यमी का दुख देखा नहीं जाता देव ऋषि, नहीं देखा जाता। मैं अपने हाथों से अपने जीवन का अंत कर देना चाहता हूँ। नारायण नारायण यमदेव, जीवन का अंत कर देने से समस्याओं का अंत तो नहीं होता। जीवन का अंत करके मैं अपनी प्रिय बहन के दुख को तो नहीं देखूंगा देव ऋषि। यमदेव, जीवन का अंत कर देने से ना तो यमी की समस्याओं का अंत होगा ना ही देवी संज्ञा की समस्याओं का, इसीलिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ। नहीं देव ऋषि नहीं, मैं प्रिय यमी के दुखों को देखकर किसी पुरुषार्थ का साहस नहीं कर सकता। यदि मैं यमी के दुखों को परम सुख में बदलने का रहस्य बता दूं तो फिर जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा देव ऋषि, मैं वो करूंगा। मुझे शीघ्र ही प्रिय यमी के परम सुख का रहस्य बताएं। द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु पृथ्वीलोक पर धर्म की संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार का मेरी बहन यमी से क्या संबंध? संबंध है यमदेव, संबंध है। श्री कृष्ण अवतार के समय आपकी बहन देवी यमुना का तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा।
श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगी और त्रिलोक में उसका मान सम्मान स्थापित होगा। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं प्रसन्न हुआ देवऋषि। आप धन्य हैं जो इस समय आपने मुझे दुख से उबारने का महान कार्य किया। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं देवऋषि। नारायण नारायण, शिव इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का मुझे ज्ञान है। यमदेव, तुम मुझसे यही पूछना चाहते हो ना कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी माता और तुम्हारी बहन तुमसे दूर चली गई और तुम्हारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया। हाँ देवऋषि, क्या ये हमारे महान पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? नारायण नारायण, यमदेव, न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि हर घटना के बाद एक नई घटना जन्म लेती है, हर रात के बाद नया दिन निकलता है। क्षमा करें देवऋषि नारद, मैं ज्ञान से भरी आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं हूँ। कृपया करके सरल शब्दों में मेरी शंका का समाधान करें। तुम्हारे परिवार के विघटन के पीछे भविष्य का संकेत है। अर्थात? अर्थात ये यमदेव कि जहां तुम्हारी माता हर ओर से दुखी और निराश होकर भागवत भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगी, वहीं तुम्हारी बहन जनहित और लोक कल्याण से पृथ्वीवासियों को तृप्त करेगी। और मैं? नारायण नारायण, सूर्यपुत्र यमदेव, तुम सूर्यलोक से एक विशेष उद्देश्य को लेकर बाहर निकले हो, परंतु शिव इच्छा से तुम्हें उस उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। आपको तो होगा देवऋषि। नारायण नारायण, अवश्य है। यमलोक के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए तुम्हें सूर्यलोक का त्याग करना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी। यमराज, ये आप क्या कह रहे नारद जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण नारायण, मेरे कथन पर संदेह न करो, तुम शीघ्र यमलोक पहुंचो। वहां परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से धर्मराज और चित्रगुप्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के बाद अब सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट चुका, अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। नारायण नारायण, किस सोच में पड़ गए, क्या मेरे कथन पर विश्वास नहीं? ऐसा ना कहे देवऋषि, आपका कथन सत्य का प्रमाण है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस समय आप ना आए होते तो मैं कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता। देवऋषि, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं धन्य हुआ, अब मुझे हम लोग जाने की आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण, देवी संज्ञा के पुत्र यम को यमलोक में और पुत्री यमी को पृथ्वीलोक में स्थायी निवास तो मिल गया, परंतु ये देवी संज्ञा का क्या होगा? नारायण नारायण।